लेट अस स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसको हम पढ़ते हैं अभी थोड़ी देर में। उससे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो समझना जरा ध्यान से क्या होता है हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट। देखिए टॉपिक का नाम जो मैं करवाऊंगा लिमिटिंग रिएजेंट बोलिए या रिएक्टेंट बोलिए, एक ही बात है। लिमिट का मतलब होता है रोकना, लिमिट का मतलब ये होता है ना रोकना, तो उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। इसको ऐसे सपोज कर लो, सपोज आपने ए और बी की रिएक्शन करवाई टू फॉर्म सी। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। सपोज आपने ए और बी की रिएक्शन करवाई टू फॉर्म सी। आपका जो ए था लेटर से वो 2 ग्राम था और ये 5 ग्राम था रिएक्शन में। अब आप ऐसे नॉर्मल सा देख के आइडिया लगाओ कि ये जो रिएक्टेंट है कौन सा रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाएगा रिएक्टेंट रिएक्शन में, बताओ। ये है आपके रिएक्टेंट्स ए प्लस बी, तो जो कम होता है वो पहले खत्म हो जाएगा। यस, तो जैसे ही ये खत्म होगा सी मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि सी मिलता है ए और बी जब रिएक्ट करते हैं। तो ए कम अमाउंट में है तो ए पहले खत्म हो जाएगा, बी खत्म नहीं होगा। तो जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है ना, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट इज दैट रिएक्टेंट व्हिच गेट्स यूज्ड अप फर्स्ट इन अ रिएक्शन। एक मिनट, लिमिटिंग रिएक्टेंट बता रहा था और उसको एक बार हम दोबारा समझ लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। एग्जाम्पल वन हो गई। अच्छा, न्यूमेरिकल में ऐसे नहीं करना कि आपने वैल्यू देखी और आप आंसर बता दोगे, ना ना बिल्कुल भी नहीं ऐसे। सर, आपने टॉप पे क्या लिखा वैसे, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब रिएक्टेंट ही होता है। रिएजेंट बोलिए, देखो रिएजेंट बोलिए या आप रिएक्टेंट बोलिए, इसका एक ही मतलब होता है, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जांपल दी, एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक कंपनी है ए और एक कंपनी है, ध्यान से सुनना, एक कंपनी है बी। ये दोनों क्या करती हैं, एक मोटरसाइकिल बनाती हैं। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, मोटरसाइकिल बनाती हैं। जो कंपनी ए है ये मोटरसाइकिल का फ्रंट व्हील बनाती है, फ्रंट व्हील ऐसे मैंने बना दिया दिखाने के लिए। जो कंपनी बी है ये मोटरसाइकिल का लास्ट वाला व्हील बनाती है, पीछे वाला व्हील, रियर व्हील आप क्या कह सकते हो, जो भी है एंड वाला व्हील। अब एक कंपनी सी है जो इन दोनों से ए और बी खरीद के कंबाइन करके मोटरसाइकिल बना देती है, ठीक है। ऐसे ही समझाने के लिए मोटरसाइकिल बना देती है, चलो साइकिल जैसे ही बन गया, साइकिल कंपनी मान लो, जो भी है। अब क्या हुआ, इस कंपनी सी ने इसको ऑर्डर दिया, भाई हमें 50 बाइक्स या साइकिल्स तैयार करनी है, तो आप हमें 2 दिन में 50 फ्रंट व्हील देंगे। इनको बोला भाई आप हमें 2 दिन में 50 बैक व्हील्स देंगे। अब क्या हो गया, 2 दिन के बाद कंपनी ए ने सिर्फ 35 व्हील्स ट्रांसफर किए और कंपनी बी ने पूरे 50 व्हील्स ट्रांसफर किए। कंपनी सी का टारगेट था 50 मोटरसाइकिल या साइकिल बनाना। अब कितनी बन पाएंगी साइकिल ये बताओ, टारगेट तो 50 था कंपनी सी का, 35 ही बनेंगी। यस, वेरी गुड। तो किस कंपनी के कारण प्रोडक्शन कम हुई, कंपनी ए और कंपनी बी, ए के कारण। तो किसको बोलेंगे लिमिटिंग कंपनी, किसको बोलेंगे, कंपनी ए। हाँ, अब आपको समझ में आ गया क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है, ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल दी, एक्चुअल में हम रिएक्शंस के फॉर्म में देखेंगे, वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में जल्दी खत्म हो जाए और रिएक्शन को रोक दे। वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में जल्दी खत्म हो जाए और उसके बाद प्रोडक्ट ना बने, तो उसी रिएक्टेंट को हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब क्वेश्चंस कैसे करने हैं ध्यान रखना, क्वेश्चन में कोई गैस नहीं चलेगा, क्वेश्चन में स्टोइकोमेट्री लगेगी और मोल कंसेप्ट लगेगा, ध्यान देना इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे। इसके क्वेश्चंस में कोई गैस नहीं चलने वाला, इसके क्वेश्चंस में स्टोइकोमेट्री एंड मोल कंसेप्ट लगेगा। अब देखो ध्यान से समझाता हूं। 10 ग्राम N2 रिएक्ट्स विद
ध्यान से समझो, 10 ग्राम N2 रिएक्ट्स विद अपना लेट अस से 20 ग्राम H2 टू फॉर्म NH3। आपको पता है NH3 को हम और क्या कहते हैं? NH3 इज कॉल्ड अमोनिया। ठीक है, क्वेश्चन देखो, 10 ग्राम N2 रिएक्ट्स विद 20 ग्राम H2 टू फॉर्म अमोनिया। आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन आपने कैसे करने, इसके मैं आपको स्टेप नहीं बताऊंगा, स्टेप मैंने पीछे बहुत बता दिए। जो भी लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें मोल कंसेप्ट प्लस स्टोशियोमेट्री हमारी लगती है, स्टोकियोमेट्री जो है हमारी लगती है। तो कीप इन माइंड, स्टोकियोमेट्री और मोल कंसेप्ट के कॉम्बिनेशन से ही सॉल्व होगा। तो हम सबसे पहले इसकी रिएक्शन बनाएंगे और फिर देखते हैं क्या कहता है। रिएक्शन बनाते हैं, N2 plus H2 gives 2NH3, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 10 ग्राम N2 reacts with 20 ग्राम H2 to form NH3, identify the limiting reactant, मतलब दोनों reactant में कौन सा limiting होगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूँ। नाइट्रोजन दिया हुआ है हमें 10 ग्राम और हाइड्रोजन दिया हुआ है हमें 20 ग्राम। यहाँ पे गैस नहीं लगाना, यहाँ पे गैस नहीं लगाना क्योंकि ये प्रॉपर रिएक्शन है। देखो जनरली होता क्या है, जब मैं ये एग्जांपल बताता हूँ ना, ये वाली एग्जांपल जो ये बताई है, तो मैं जब ये क्वेश्चन कराता हूँ तो बच्चा ना वैल्यू देख लेता है, ये 10 है ये 20 है, भाई ये हो गया। ना ना ना, यहाँ पे तो कुछ और दिया ही नहीं था ना, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना ईजी था। यहाँ पे तो आपको प्रॉपर रिएक्शन बन गई और हर एटम का मास भी होता है, तो मोल कंसेप्ट लगेगी। तो यहाँ पे ये रैंडम वाला मेथड नहीं लगेगा, वो तो सिर्फ समझाने के लिए था। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। अब रिएक्शन के बेस पे मोल कंसेप्ट और स्टोशियोमेट्री दोनों लगेगी। अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, अब देखो ये मास था ना, तो इसका भी मास ले लो। N2 का मास कितना होता है, 28 ग्राम, 14 होता है ना, और हाइड्रोजन का मास होता है 1 × 6, ये 2 × 6 6 ग्राम हो गया। तो ये हमने अपने आप ही बनाया बाय मोल कंसेप्ट यूज करके। और अब स्टोशियोमेट्री लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 28 ग्राम N2 रिएक्ट्स विद 6 ग्राम H2। बोलो ये स्टेप समझ में आया ना कैसे बना? ये मैं बना रहा हूँ अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। जैसा मैंने आपको बताया, मोल कंसेप्ट भी लगेगा, स्टोशियोमेट्री भी लगेगी। तो बच्चों को ना इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, उनको आइडेंटिफाई करने में काफी दिक्कत आती है। देखते हैं आज किसको किसको आती है, काफी बच्चों को आती है। तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 28 ग्राम में 6 ग्राम है, तो 10 ग्राम में निकालते हैं। तो 10 ग्राम N2 में H2 कितना होना चाहिए, x कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x इज इक्वल टू 6 × 10 डिवाइडेड बाय 28, तो ये हो जाएगा 60/28। तो इसको डिवाइड करके देखते हैं कितना होता है, 60/28। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2.14 ग्राम ऑफ H2। ध्यान से समझो, अब देखो ध्यान से, तो मैं आंसर लिखता हूं अभी। ये आंसर नहीं है, जो आपने वैल्यू निकाली ना, ये आंसर नहीं है। आंसर तो है कि लिमिटिंग कौन सा है। तो इस वैल्यू को अगर हम देखें तो हमारा N2 लिमिटिंग है। अब मैंने जैसी ये लाइन लिखी ना, कई बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ जाएगा, ये कैसे हो गया भाई, N2 कैसे हो गया। अब आप इसको समझो, समझा रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट रुको बस। अब हम इसको समझते हैं हुआ क्या एक्चुअल में। तो कलर चेंज करते हैं यहाँ से, यस। तो अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, 10 ग्राम N2 रिएक्ट्स विद 20 ग्राम H2। यानी आपको बोला है N2 10 ग्राम है, H2 आपको 20 ग्राम दिया हुआ है, कह रहा है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट बताओ। तो हमने इक्वेशन बनाई, इक्वेशन के हिसाब से मोल कंसेप्ट लगाया, तो मोल कंसेप्ट के हिसाब से 28 ग्राम में 6 होता है, तो 10 ग्राम में कितना होना चाहिए। तो 10 ग्राम में हमारा आंसर आया 2, बट आपके पास था कितना, आपके पास हाइड्रोजन थी कितनी, 20। 20 में से सिर्फ कितनी यूज हुई, 20 में से सिर्फ 2 यूज हुई, यानी कौन पूरा यूज हो गया, ये पूरा 10 का 10 यूज हो गया अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। 20 में इतना, 10 में कितना होना चाहिए, तो N2 तो आपका पूरा यूज हो गया ना, और H2 की वैल्यू आई 2, तो इसको इसमें से माइनस कर दो, तो कौन खत्म हो गया बताओ, कौन खत्म हो गया, बोलो बेटा,
कौन खत्म हो गया, N2 खत्म हो गया, तो जो खत्म हो जाए उसे क्या कहते हैं, लिमिटिंग। बच्चों को पता क्या लगता है कि जो हमने ये आंसर निकाला ना, ये आंसर है ना, ये आंसर है ही नहीं, जो आप यहाँ पे लिखोगे ना एंड में, ये आंसर होता है, और इसे आइडेंटिफाई करने में बच्चों को दिक्कत आती है। अब मुझे ये बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है, कुछ बच्चों को जरूर प्रॉब्लम आ रही होगी, क्या प्रॉब्लम आ रही है ये बताओ, क्योंकि इसमें आती है प्रॉब्लम, आई नो। तो सब एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आदित्य आप बताइए बेटा, इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि समझ में आ गया? सर एक और एग्जांपल करवा दो एक। तो ऑब्वियसली मैं करवाऊंगा ही, इस क्वेश्चन की बात करो, इसमें कोई डाउट आ रहा है माइंड में? नहीं सर इसमें कोई। ओके आदम आप बताइए। सर 20 ग्राम का नहीं आया समझ में। हाँ जी हाँ, देख बेटा अब ऐसे समझ तेरे पास है 20 रुपीज, ठीक है, ऐसे समझ ले, ठीक है, और मेरे पास है 10 रुपए, ठीक है ना, ध्यान से समझना, मेरे पास है 10 रुपए, तेरे पास है 20 रुपीज, हम मार्केट में कुछ लेने गए, तो मार्केट वाला कहता मैं 28 रुपए की 6 दूंगा, 28 रुपए की 6 पेंसिल दूंगा, ऐसे मान ले, तो मेरे पास 10 रुपए थे तो मैं 10 रुपए के हिसाब से लूंगा, और तेरे पास 20 रुपए थे, ठीक है ना। तो इसको ऐसे समझ लो, जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसको जरा समझने की कोशिश करना, एंड 28 में 6 की अवेलेबिलिटी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ जरा ध्यान समझना, इसको फॉलो करना, 28 ग्राम N2 में 6 ग्राम H2 यूज होता है, 28 ग्राम में 6 ग्राम H2 यूज होता है, तो 10 में कितना यूज होना चाहिए इसको नहीं देखना, इसको हम बाद में कंपेयर करेंगे 20, हम क्योंकि दोनों चीजें एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते, एक टाइम पे एक ही चीज कंपेयर करेंगे, तो 28 में 6 होता है तो 10 में कितना होना चाहिए था 2, बट अवेलेबल कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अवेलेबल कितना आगम बोलो, 20, यानी कितना यूज हुआ, 2 यूज हुआ ना, तो कितना बच गया, 20 में से 2 निकाल लो, कितना बच गया, 18, तो कौन खत्म हो गया, ये पूरा 10 यूज हो गया, ये सिर्फ 2 ही यूज हुआ, तो दोनों में कौन खत्म हो गया, 10, तो अभी समझ में आया, जो खत्म हो जाए वो लिमिटिंग है, तो ये वाले स्टेप में जनरली बच्चे उलझ जाते हैं, इस वाले स्टेप में जनरली उलझ जाते हैं। हाँ जी बोलो, अब अगले बच्चे से पूछते हैं, अंकित आपको कोई डाउट इसमें? नो सर। चलो लिखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी कॉपी में, जस्ट राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर कॉपी, क्वेश्चन हम आगे बना देते हैं इसके आगे और आपको समझाते हैं। यस यहाँ पे लिखो, क्वेश्चन लिखो, 50 ग्राम H2 reacts with 10 ग्राम O2, ध्यान से, 50 ग्राम H2 reacts with 10 ग्राम O2 to form water. Tell limiting reagent. ठीक है, अब हम यहाँ पे ना एक बच्चे की हेल्प ले लेते हैं, हेल्प हम लेते हैं लेटर से वर्षिता। सर ट्राई कर लें एक बार। नहीं अभी नहीं करना, मैं क्वेश्चन दूंगा अगला ट्राई करने को खुद ही, अभी मुझे करा लेने दो, क्योंकि ना अभी सभी बच्चों के ब्रेन में गया नहीं है, थोड़ा वेट कर लो। ओके हर्षिता अनम्यूट करो बेटा, मुझे बताओ पहला स्टेप अब मैं क्या बनाऊं, क्योंकि इसमें मुझे स्टेप बताने की जरूरत नहीं है, सब चीज का मिक्सचर ही चल रहा है, बोलो। सर पहले हम बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लेंगे। बिल्कुल सही, हम इक्वेशन लिखेंगे H2 + O2 → H2O, हमने ये बैलेंस कर लिया, H2O, बिल्कुल सही। अब क्या करें सर, पहले H का वो हो जाएगा, मास हो जाएगा, अब हम क्वेश्चन के हिसाब से लिख लेते हैं, देखो 50 ग्राम है, मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, जस्ट 50 ग्राम दिया हुआ है हमें H2 और O2 हमें दिया हुआ है 10 ग्राम, ठीक है। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, आरिफ धीरे बोलो, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, अब अकॉर्डिंग टू रिएक्शन इसका मास निकाल दो, कितना होता है 4 ग्राम, और इसका मास कितना हो जाएगा 16 × 2 = 32, तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, क्योंकि हमने पहला स्टेप तो इक्वेशन से बनाना है ना, मोल कंसेप्ट लगा के, हमेशा याद है ना वो स्टेप तो सेम ही है, तो हमारा स्टेप बना 4 ग्राम H2 में 32 ग्राम O2 यूज हो रहा है, 4 ग्राम H2 में 32 ग्राम O2 इज यूज्ड,
तो 50 में कितना होना चाहिए? बच्चे पता क्या करते हैं, इन दोनों को देखने लग जाते हैं, दोनों नहीं देखना, दोनों में से आप एक ही देख पाओगे ना, दोनों में से एक ही देख पाओगे, तो 50 जो आप कंपेयर कर रहे हो उसी को देखोगे, इसको हम बाद में देख लेते हैं। तो 50 ग्राम में कितना होना चाहिए, तो 50 ग्राम H2 इज इक्वल टू x क्रॉस मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू 50 इनटू 32 डिवाइडेड बाय 4, कितना आया मल्टीप्लाई करके, 400, हाँ तो 400 के करीब आ गया, 400 ग्राम, यानी हमें O2 कितना चाहिए होगा, 400, हमारे पास है कितना, आप देखो कितना है, 10 है, यानी कौन खत्म हो जाएगा इस बार जल्दी, O2, 400 की जरूरत है, 10 ही है, तो O2 खत्म हो जाएगा, तो O2 इज लिमिटिंग। अब मैं आपके डाउट पूछने से पहले एक चीज और बता रहा हूँ, मान लो आप कोई सामान लेने गए मार्केट में और आपके जेब में थे 100 रुपए, आपने सामान लिया, आपका बिल बन गया 200 रुपए, तो आप सामान ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे ये बताओ, नहीं ले पाओगे ना, अगर बिल ज्यादा बन गया तो आप वापस आओगे घर, बिकॉज यू आर लिमिटिंग, आपके पास उतने पैसे नहीं थे। अब बच्चे यहाँ पे कॉमन मिस्टेक करते हैं, क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं, जैसे मैंने उनको सिखाया ना रिएक्शन को कंपेयर करो रिएक्टेंट को, तो मैंने बोला 4 में 32 है तो वो 50 में 10 कर लेते हैं, वो कंपैरिजन गलत हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों कंपेयर कर लोगे तो फिर कंपेयर कैसे करोगे। एक्चुअली करना क्या है, इक्वेशन बनानी है कि 4 में 32 यूज हो रहा है तो 50 में कितना होना चाहिए, तो ये कितना आ गया, अब जो ये कितना है ना उसको कंपेयर करना है कि 400 की रिक्वायरमेंट है, था कितना 10, यानी ये खत्म हो गया, मान लो 400 की रिक्वायरमेंट है और यहाँ होता 500, मान लो यहाँ होता 500, फिर क्या होता, फिर ये नहीं होता लिमिटिंग, फिर ये 50 हो जाता, क्योंकि अगर ये अमाउंट आपके आंसर से ज्यादा आई, ध्यान रखो मैं क्या बता रहा हूँ, अगर ये अमाउंट आपके आंसर से ज्यादा आई तो ये लिमिटिंग नहीं है, कम आई तो लिमिटिंग है, जैसे अभी के केस में 400 चाहिए, ये 10 ही है, तो कौन हुआ लिमिटिंग, O2 इज लिमिटिंग। अब हम यहाँ से लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मैनी अ टाइम द रिएक्शंस आर कैरिड आउट व्हेन द रिएक्टेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन द amount as required by the balanced chemical reaction. In such situations, one reactant is in excess over the other. The reactant which is present in lesser amount get consumed after some time, and after that no further reaction takes place, whatever be the amount of the other reactant present. Hence, the reactant which gets consumed limits the limit matlab rokna, the amount of product formed. So called limiting reagent. तो बहुत बड़ी थ्योरी हो गई, सिंपल थ्योरी आप ये लिख सकते हो पेपर में आ जाए कि define limiting reactant. It is that reactant which gets used up first in a reaction and stop the reaction. ये वो reactant है जो reaction में पहले use हो जाए और reaction को stop कर दे, उसे कहते हैं हम limiting reactant. अब इसके numericals try करेंगे और आपको time देंगे करने के लिए। लो जी ये आ गया आपके पास न्यूमेरिकल, 50 ग्राम N2 50 kg है एंड 10 kg ऑफ H2, तो सेम न्यूमेरिकल वाज देयर, क्या ऐसे ही कुछ रहा है, 50 ग्राम H2 था, अच्छा उल्टा है, अच्छा मैंने कुछ और इसका उल्टा करवाया था, ओके। नाउ दिस न्यूमेरिकल इज अपीयरिंग ऑन योर स्क्रीन, आप इसे अपनी कॉपी में लिखिए, लिखने के बाद मुझे बताइए लिमिटिंग कौन सा है यहाँ पे, फिर मैं इसे खुद सॉल्व कराऊंगा। अच्छा एक चीज और कर लो, आप ये 50 kg लिखा है ना, इसे ग्राम ले लो, kg लोगे तो वैल्यू काफी लंबी बन जाएगी, आप 50 ग्राम करके लिखो, ठीक है, समझ गए कैसे करना है, अगर पेपर में kg आया तो kg के हिसाब से कर देना, अभी कैलकुलेशंस ठीक हो तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ आप ले लो 50 ग्राम और इसको ले लो 10 ग्राम और आपको मैं दूंगा 3 मिनट, योर 3 मिनट स्टार्ट्स नाउ। एक्स 8 आया होता तो लिमिटिंग N2 होता, वेरी गुड, हाँ एक्स अगर 8 होता तो 10 से कम होता ना, देखो दुकानदार yes, इसको ऐसे ही समझ लो, जैसे मैं बता रहा हूँ दुकानदार ने मांगे 10 रुपए 7 पैसे, मान लो 11 रुपए, उसके पास 10 रुपए थे तो ये लिमिटिंग हो गया, अगर आपका आंसर आया था मान लो 8 तो 10 है तो 10 8 से ज्यादा है ना, तो ये ज्यादा, इसका मतलब ये पूरा यूज हो गया। ऐसे आती है डाउट्स तो ये पूछते रहो, तो आई गेस अब आपको क्लियर हो गया ये कैसे करना था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने पीछे किया। अब एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, तो देखो जरा दूसरा क्वेश्चन भी ये रहा, यस आपकी स्क्रीन पे है, अब आप इसे ट्राई करो और आपको देता हूँ 2 मिनट, तो आपके 2 मिनट स्टार्ट होते हैं, आप ट्राई कर लो, नोट कर लो, जब मैं सॉल्व करवाऊंगा तो हर्षिता मुझे गिवन बता क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है 3 ग्राम H2 reacts with 29 ग्राम O2,
टू यील्ड वाटर विच इज लिमिटिंग रिएक्टेंट. सबसे पहला कैलकुलेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट विच रिमेन्स अनरिएक्टेड. तो आप ये तीन चीजें ना करो, सिर्फ इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करो. फिलहाल जस्ट सॉल्व फर्स्ट पार्ट और आपको मैं दूंगा तकरीबन 1.5 मिनट, सॉल्व करो, फिर इसको मैं खुद सॉल्व करवाता हूँ. चलो हर्षिका जरा मुझे गिवन बोलो, सॉल्व कराएं मीटिंग ओवर होने से पहले. सर 3 ग्राम ऑफ H2 कह रहा है, 3 ग्राम H2 reacts with 29 ग्राम ऑफ O2 टू फॉर्म वाटर. ठीक है, ये क्वेश्चन है. अब हम इसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं. H2 plus O2 gives to H2O, यहाँ पे आ गया 2. तो ये दिया हुआ, ये गिवन है, आप मोल कंसेप्ट लगाओ, 4 ग्राम और 32 ग्राम, यही हुआ ना. तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 4 ग्राम H2 रिएक्ट्स विद 32 ग्राम O2. 4 ग्राम H2 रिएक्ट्स विद 32 ग्राम O2. तो 3 ग्राम फ्री दिया हुआ ना H2 का, 4 ग्राम में इतना होता है, तो 3 ग्राम में कितना होना चाहिए, तो 32 × 3/4 कितना आया आंसर, 24. यस, तो यह है 24 ग्राम्स. और हमारे पास है कितना, कितना हमारे पास 29. तो कौन हुआ लिमिटिंग, H2 लिमिटिंग. आई गेस अब आपको समझ में आ गया कंपैरिजन करना, 24 है और इतनी रिक्वायरमेंट है. अब उसने पूछा है, बताओ कौन बच गया अनरिएक्टेड, तो H2 तो पूरा यूज हो गया, तो कौन बच गया, तो अनयूज्ड O2. नहीं, रिएक्टेंट ही बताना है ना, अनयूज्ड में क्या आएगा, 29 − 24, तो ये बच गया आपका 5 ग्राम O2 अनरिएक्टेड. अच्छा, कई बार पूछ लेते हैं कि प्रोडक्ट बनाओ कितना बना, कई बार पूछेंगे कि प्रोडक्ट बताओ कितना बना, तो मुझे बताओ प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा, लिमिटिंग पे या जो बच गया उस पे, जो आपकी साइकिल्स थी वो कौन सी कंपनी पे डिपेंड करेंगी, लिमिटिंग. तो अब हम प्रोडक्ट देखो कैसे बताएंगे, ध्यान से समझना, हाउ टू टेल प्रोडक्ट्स. नाउ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में ना हम रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे. तो 4 ग्राम H2 forms 2 × 18 ग्राम वाटर. अब पता नहीं मैंने 2 क्यों लगाया, समझ में आया, पता है ना, वाटर है ना, वाटर का मोलर मास 18, प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट है. यस, दिस इज, मैंने आपको बोला स्टोशियोमेट्री मोल कंसेप्ट सब लगेगा यहाँ. अच्छा, 4 ग्राम में इतना, और वो कितने ग्राम था आपका, 10 कितना था, 10 ग्राम कितना था वो, 3 ग्राम था, तो 3 ग्राम में कितना, क्योंकि 3 ग्राम के हिसाब से निकलेगा ना सारा, तो 3 ग्राम H2 is equal to 2 × 18 × 3/4, तो ये आ गया आपका 2 और 27 ग्राम, ये हो गया आपका 27 ग्राम वाटर. तो आपकी वाटर बनेगी 27 ग्राम. लो बेटा, तो हमें लिमिटिंग के काफी प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर ली, अब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे. और